नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब सीएम योगी ने भ्रष्टाचार में लिप्त एक सर्किल अफसर पर डिमोशन कर उसे सिपाही बनाने का निर्देश जारी कर दिया है। सीएम योगी ने रिश्वत लेने के मामले में क्षेत्र अधिकारी के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया है। दरअसल यह मामला साल 2021 का है, जब रामपुर में ही तैनात तत्कालीन डिप्टी एसपी किशोर शर्मा के ही खिलाफ रिश्वत लेने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए गए थे और विद्या किशोर शर्मा पर अनुष्कालीन हीनता के समेत ही तमाम आरोपों को लेकर जांच चल रही थी। और इस जांच में दोषी पाए जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है और सीएम योगी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा को सिपाही बना दिया है। विद्या किशोर शर्मा 2021 में रामपुर में ही तैनात थे, जहां पर रिश्वत के मामले में प्रशासनिक आधार पर तबादला हुआ है और जांच में दोषी पाए गए विद्या किशोर शर्मा इन दिनों ही जालौन पीटीसी में तैनात हैं। सीएम योगी की इस कार्रवाई से भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इतना टाइम हो गया, मैंने किसी की जमीन कब्जाई हो, किसी के साथ बेईमानी करी हो, सर 5 में करा दीजिए अगर हो जाए। एक बार कप्तान साहब से कह के देखिए आप, मैं पैर पकड़ लूंगा सर। आप क्या सोच रहे हैं कि मैंने कहा? रामवीर यही कह रहा था कि वो तो भाई मुकदमा लिख के पूरा मुझे भी नुकसान होगा और तू भी जेल जाएगा। सर मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी बीवी का सारा जेवर बेच डाला। मैं इस समय इतना परेशान हूं सर कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो तो मैं थोड़ा अपनी अप्रोच रखता हूँ शासन में, जैसे भी जहाँ भी है, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ती है। नहीं सर, आपका तो मामला ऊपर तक है, इसीलिए सारी चीजें वो रहती हैं। मैं अपना काम कर रुकवा दे, तो वो करा दिया इन्होंने तो रुकवा भी दिया। ऐसा नहीं है कि खराब नहीं होगा, कितने लाख? मैं तो 5 लाख लाया हूँ, बाकी सर देख लो। इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ दानिश वारसी जुड़ चुके हैं। दानिश, डिप्टी एसपी विद्या किशोर शर्मा के खिलाफ रिश्वत लेने का मामला सामने आया और जिसके बाद उन्हें सिपाही बना दिया गया है, उनको उनके पद से हटा दिया गया था, अभी की क्या अपडेट है? अजय बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में एक नजीर बन गई, मिसाल बन गई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दिल जीत लिया। दिल कहूं क्या, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर जो ऐसा हंटर चलाया है कि एक तो ये मिसाल रहे कि जिस तरीके से पुराने जमाने में मुगलों के जमाने में एक मिसाल चलती थी, उस तरीके की सजा सुनाई गई। बहुत ही बेहतरीन जजमेंट कह सकता हूँ उसको, कि एक नजीर बन गया है कि जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कस गई। सीधे सीओ से सीधे बन गए साहब सिपाही, या मैं कह सकता हूँ मूल पद। बिल्कुल सही बात का, एक क्षेत्र अधिकारी का जब ये हाल है कि झोले के अंदर बैठकर लेटे लेटे आराम से साहब रिश्वत ले रहे हैं, और रिश्वत में देने वाला ये बात कह रहा है साहब कि बीवी बच्चे सबके जेवर हमने बेच डाले और जेवर बेचने के बाद ये पैसा लेकर हम आए हैं, और साहब ये भी कहा जा रहा है कप्तान साहब से बात कर लीजिएगा। तो जिस तरीके से डीएसपी ये बात कह रहा है और वो ये बात कप्तान के बीच में संलिप्तता पाई जा रही है, तो अभी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सीओ को सस्पेंड कर, सीओ को मूल पद पे लाने के साथ साथ जो भी अधिकारियों का नाम इसमें शामिल हो रहा है उनको भी सीधे होमगार्ड पे बुला देना चाहिए। तो यानी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की जो ये कार्रवाई है, इससे एक बात तो साफ हो गई कि डीएसपी घूस लेगा तो सीधे सिपाही बनेगा, और अगर आईपीएस घूस लेगा तो फिर होमगार्ड, फिर आईएएस क्या बनेगा? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ये फैसला सुनाया, मैं ये कह सकता हूँ जो अपना जो इन्होंने कार्रवाई की, ये कार्रवाई बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई है और उत्तर प्रदेश की जनता के दिल जीते और भ्रष्टाचारियों के अंदर एक दहशत बन गई है। वीडियो तो तमाम वायरल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे होंगे, जब से सोशल साइट का जमाना है, जब से 5G 4G मोबाइल शुरू हुए हैं, तब से लगातार वीडियो बन रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में है वो ये है कि अगर इस
इस रिश्वत का अगर वीडियो ना बन पाता और उसने अगर बिना वीडियो के उसने ये आरोप लगाया होता तो क्या ये कार्रवाई बनती ना बनती, बल्कि पुलिस ही उसे फर्जी आरोप में फंसा देती। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के इतने बुरे हालात हैं कि सोच से परे है कि रिश्वत के वीडियो वायरल हो रहे हैं लगातार और इस पे गंभीर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। तो मुझे लगता है कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ जो नीचे लेवल के तबके के अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई कसनी पड़ेगी ताकि भविष्य में ऐसे रिश्वतखोरी के मामले सामने ना आए। रिश्वतखोरी के इस मामले ने हलकम तो मचा ही दिया लेकिन मुख्यमंत्री की कार्रवाई काबिले तारीफ है और ये बात साफ साफ सर्टिफिकेट से प्रमाणित कर रही है कि ईमानदार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ईमानदार ही नहीं बल्कि बहुत ही सख्त है। जो डीएसपी को ऐसी सजा मिली है कि ये सजा उत्तर प्रदेश के अंदर एक नजीर बन गई है और नजीर के साथ साथ एक मिसाल बन गई है कि अगर आप करप्शन पर हाथ खड़े किए या करप्शन पर हाथ फैलाए तो सीधे सीधे मूल पद पर आ जाएंगे, या तो नौकरी छोड़ दो या फिर सबको सैल्यूट करने लगो। बिल्कुल दानिश, जिस तरह से आपने बताया कि वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो इसका खुलासा भी नहीं हो पाता, और वहीं विद्या किशोर शर्मा के सिपाही बनने पर भ्रष्टाचार पर कितनी पाबंदी लगेगी, क्योंकि ये किसी न किसी सबक की ओर जरूर इशारा करता है कि योगी आदित्यनाथ एक सबक देना चाहते हैं कि आइंदा अगर कोई डीएसपी ऐसे करता है तो आगे जाके आपको सिपाही वाली पोजिशन मिल सकती है। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि डीएसपी ने जब घूस ली है तो वो सिपाही बन गए, आईपीएस घूस लेगा तो होमगार्ड बनेगा और आईएएस लेगा तो फिर वो क्या बनेगा। ये बात बिल्कुल ही सटीक बैठती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नजीर पेश करके ऐसी कार्रवाई की है कि शासन के साथ सुशासन और सुशासन के साथ एक ऐसी मिसाल पेश कर दी है कि पुलिस कर्मियों में एक खौफ बन गया है। उत्तर प्रदेश में अगर थानों की बात की जाए तो बहुत बुरे हालात हैं। थानों में शिकायतकर्ता के ऊपर ही फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, शिकायतकर्ता जब कार्रवाई लेकर पहुंच रहे हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है बल्कि जो विपक्षी होते हैं जिनके ऊपर आरोप है उन्हीं की तरफ से मुकदमा दर्ज हो रहा है। अभी अगर हाल ही की बात की जाए बाराबंकी में देवा पुलिस की, तो जहां पर शिकायतकर्ता पहुंचा था उसके शिकायतकर्ता पर कार्रवाई नहीं हुई बल्कि जिसके ऊपर आरोप था उन पर मुकदमे दर्ज कर लिए गए और पत्रकारों को इसमें शामिल कर लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बुरे हालात हैं, एक नहीं कई कई बार मामलों के खुलासे हो रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा रैंक तक के लोगों का तबादला नहीं हो रहा। पहले पिछली मायावती की सरकारों की बात की जाए तो बीएसपी की सरकार में अगर कोई भी मीडिया पर कोई ट्रायल होता था या कोई न्यूज चलती थी उसको जब आरोप लगते थे तो तत्काल उसको निलंबित या नाजिर कर दिया जाता था। लेकिन इसमें कुछ अंदरूनी कुछ ऐसा सिंडिकेट चल रहा है जिसमें बचाने का भी प्रयास लगातार किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों की बात की जाए तो उच्च अधिकारी भी कहीं ना कहीं निचले वालों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, हमारे साथ लगातार बनी रही है। चलिए फिर रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि चित्रकूट की लेकर ही जेल एनकाउंटर केस में ही एससी का आदेश जांच हुआ है, जहां पर यूपी के चित्रकूट जेल में ही पिछले साल हुए एनकाउंटर मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि मामले की जांच रिपोर्ट 2 हफ्ते में कोर्ट और याचिकाकर्ता को दी जाए। अगली सुनवाई नवम्बर के आखिरी हफ्ते में ही होगी। याचिकाकर्ता ने ही यूपी के ही एनकाउंटर नीति पर रोक लगाने की भी मांग की है और यूपी सरकार और से ही वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में ही इंक्वायरी हुई है जिसमें साफ है कि जिनका चित्रकूट में ही एनकाउंटर हुआ वो अपराधी थे और उन पर पहले से ही कई आपराधिक केस भी चल रहे थे। सीजेआई यूयू ललित ने कहा है कि पुलिस की क्रॉस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है और यूपी सरकार ने ही इंक्वायरी भी करवाई है। सीजेआई ने कहा है कि जांच पूरी हो चुकी है और आप प्रोटेस्ट याचिका दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी हैं तो ये भी नहीं होगा। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने कहा है कि राज्य में हिंसा की नीति रोकी जानी चाहिए, क्योंकि सीएम विधानसभा में एनकाउंटर को लेकर बयान देते हैं और व्यवस्था आगे करने की भी न्याय जांच में कई तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसमें स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। बता दें आपको कि पिछले साल चित्रकूट जेल में ही शॉप शूटर अंशु दीक्षित और पश्चिमी यूपी के ही कुख्यात बदमाश मुकीम काला और पूर्वांचल के ही अपराधी मेराज अहमद के बीच गैंग वॉर हो गया था, जिसमें अंशु दीक्षित ने ही 9mm की पिस्टल से ही मुकीम काला और मेराज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, उसने जांच 5 बंदियों को ही बंधक भी बना लिया था, जिसके बाद पुलिस बल एक्टिव हुआ और पीएसी के साथ मौके पर पहुंचा। यहां अपराधी अंशु दीक्षित ने ही पुलिस पर फायरिंग कर दी और जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में अंशु दीक्षित को ही वहीं मार गिराया था। लगातार दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, जैसे कि खबर है एनकाउंटर मामले में ही सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इसको लेकर पूरी अपडेट अभी तक क्या सामने आई है?
देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक दो दिन पहले एक ऑर्डर किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनकाउंटर पर फिलहाल के लिए शायद उन्होंने रोक लगाई थी और जवाब मांगा था सरकार से कि फर्जी इनकाउंटरों पर तत्काल रोक लगाई जाए। और ऐसा नहीं ये पहली बार हुआ, हर पिछली सरकार कई सरकारों में भी सुप्रीम कोर्ट का दखल रहा है, मानव अधिकार का दखल रहा है और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने दखल लगाया है कि पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच की जाए, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और इनकाउंटर में जल्दबाजी न की जाए। यानी इनकाउंटर में जल्दबाजी करना किसी निर्दोष की हत्या करना है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पेच कसे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तो कह दी है कि फर्जी इनकाउंटरों पर जहां तक हो सके रोक लगाई जाए और फर्जी इनकाउंटरों में जल्दी ना की जाए, पूरी जांच कर ली जाए, जो अपराधी हो उसका ही इनकाउंटर होना चाहिए। ये सही भी है क्योंकि तो किसी की जान चली गई वो वापस नहीं आ सकती, जांच तो चलती रहेगी लेकिन जान वापस नहीं आ सकती। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक मिसाल भी पेश की है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जजमेंट है, ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है और सुप्रीम कोर्ट की नजर में किसी निर्दोष की हत्या बहुत बड़ा अपराध है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ तमाम अधिकारियों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कसे हैं, इसमें इनकाउंटर को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि इनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जल्दबाजी न की जाए। बिल्कुल जी, और दो हफ्ते में फिलहाल उन्होंने ये भी जवाब मांगा है। जी दानिश, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूपी सरकार जांच रिपोर्ट दो हफ्ते में जमा करे, इसको लेकर अभी कोई टिप्पणी या किसी नेता की बयानबाजी सामने आई है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के मामले में अक्सर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ज्यादातर लोग बयान देने से बचते हैं क्योंकि कोर्ट के पास अपना स्वतः पावर होता है कार्रवाई करने का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया है, जो निर्देश किया है उसका पालन होगा और दो हफ्ते के अंदर उन्होंने जो रिपोर्ट मांगी है कि उस रिपोर्ट दी जाए कि किस किस का इनकाउंटर हुआ और कहाँ कहाँ पर इनकाउंटर किए गए, कौन कौन निर्दोष था, कौन कौन दोषी है, किस तरीके की जांच करते हैं, कैसे जांच करते हैं, इनकाउंटर की फेरिस्त कैसे बनाते हैं, इसको लेकर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। जिसको लेकर के गंभीर विषय है, अगर कहीं से भी कोई मिस्टेक हुई तो इनकाउंटर समय जितने भी स्पेशलिस्ट हैं सब फंसेंगे जी, सब पर जांच बैठ सकती है। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ही गुरुवार को लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग को लेकर बड़े फैसले पर मुहर लगी है। प्रदेश में महानिदेशक शिक्षा का ओहदा और बड़ा कर दिया गया है। कैबिनेट बैठक में ही गुरुवार को 23 प्रस्ताव रखे गए थे जिनमें से 22 पर मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में शिक्षा विभाग को लेकर बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग महानिदेशक स्कूल शिक्षा के अधीन होंगे और अभी तक इन दोनों विभाग के अलग अलग निर्देशक भी होंगे। प्रदेश में अभी तक सरिता तिवारी और माध्यमिक शिक्षा विभाग की कार्यवाहक निर्देशक है और जबकि बेसिक शिक्षा विभाग में भी कार्यवाहक निर्देशक शुभा सिंह है। और योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने प्रदेश के ही शिक्षा विभाग को लेकर बड़े फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। शिक्षा विभाग का सर्वसर्वा पर ही अब महानिदेशक शिक्षा ही होगा और इस पद पर ही IAS अफसर तैनात हैं। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देशक पद पर विभागीय अधिकारी प्रोन्नत होकर ही विभाग के मुखिया बनते हैं और अब इसमें ही बदलाव कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा के साथ ही अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी अधीन निर्देशालय भी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के अधीन होंगे। इसी खबर पर लगातार दानिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश वारसी, कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग को लेकर बड़े फैसले पर मुहर लगी है, अभी की क्या अपडेट? देखिए अभी आज का जो कैबिनेट में जो आज प्रस्ताव पास हुआ है, ये प्रस्ताव मुझे लगता है छात्रों के लिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है और छात्रों की थोड़ा सा जो बोझ होता है वो थोड़ा कम हो गया है। अधिकारियों में भी इस चीज की राहत हो गई है कि चलिए बोर्ड एक हो गया है। तो जो माध्यमिक शिक्षा का जो बोर्ड है और जो दूसरा बोर्ड है, दोनों बोर्डों को एक कर दिया गया है और इससे एक फायदा यह भी होगा कि जो अलग अलग एग्जाम होते थे अब उनसे छुटकारा मिल जाएगा। और जो एक बोर्ड हो गया है तो एक बोर्ड से फायदा यह भी होगा कि बच्चों को भी सूची समझ में आ जाएगी, रिजल्ट पहले से अच्छा होगा और एजुकेशन के मामले में काफी कम जो है मेहनत करनी पड़ेगी और प्रयास अच्छे होंगे। इसको लेकर के सीएम योगी ने जो फैसला सुनाया ये बहुत ही बेहतरीन फैसला है और आगे इसके परिणाम अच्छे होंगे क्योंकि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों को एक कर देने से फायदा ये होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग में आते हैं
और जो हाई स्कूल इंटर लेवल के लोग हैं वो बोर्ड में आते हैं जो माध्यमिक शिक्षा में। तो जब दोनों बोर्ड एक हो जाएंगे तो एग्जाम की डेट भी एक होगी, छात्रों की तैयारियां भी एक साथ ही करनी होगी और सरकार के ऊपर खर्चा भी कम पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी चुनाव होते हैं और एग्जाम है तो चुनाव को आगे पीछे करना पड़ता है। इसको लेकर के जो बोर्ड की मीटिंग प्रस्ताव जो पास हुआ आज मुख्यमंत्री कैबिनेट में, ये सबसे अच्छा प्रस्ताव पास किया गया है कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा दोनों को एक कर दिया गया है और दोनों बोर्ड अब एक माने जाए। जी कहीं ना कहीं परिजनों को भी इसका लाभ होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि अगर सरकार के पैसे में बदलाव होता है, बचाव होता है, तो कहीं ना कहीं परिजनों को लेकर इसका क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए परिजनों को सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ें, ये तो हर माँ बाप चाहते हैं, परिवार के लोग चाहते हैं। तो परिजनों को इसमें राहत ये मिलेगी कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का आप बंटवारा नहीं होगा, यानी आप दोनों एक माने जाएंगे। और दूसरा, एग्जाम की तिथियाँ होती हैं उनको लेकर भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, बोर्ड एक रहेगा तो तिथि भी एक रहेगी, सेंटर भी एक रहेंगे। तो इससे एक ये फायदा हुआ कि दोनों बोर्डों को एक करने से जो भेदभाव था बड़ा छोटे का वो खत्म हुआ और पढ़ाई को स्तर भी बराबरी से माना जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि छात्रों को जो सूची जो होती थी एग्जाम की बोर्ड परीक्षा आने वाली, वो जो एक उनको जो प्रेशर होता था, मुझे लगता है उस प्रेशर से छात्रों को निजात मिलेगी। परिजन भी इस बात को लेकर के शायद संतुष्ट दिखेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है बेहतर फैसला है शिक्षा को लेकर के, और इसके जो नतीजे आने वाले हैं ये बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराजगंज के ही भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से ही तस्करों के द्वारा पगडंडियों के रास्ते अवैध रूप से नेपाल में भारी मात्रा में गेहूं के बीज और इसके साथ ही कपड़े सहित चीनी भारी मात्रा में दो पहिया वाहनों से और सिर पर लादकर नेपाल पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि नौतनवा थाना क्षेत्र में ही सहित सोनौली कोतवाली क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में ही तस्कर बॉर्डर पर ही तैनात एसएसबी को चकमा देकर धड़ल्ले से ही भारतीय इलाकों में भारी मात्रा में ही तस्करी के सामान नेपाल पहुंचा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले नौतनवा उप जिलाधिकारी के द्वारा ही एक गेहूं के गोदाम पर छापेमारी की गई थी, जिस पर एक डायरी बरामद हुई थी जिसमें सनोली पुलिस का मतलब कोतवाली का 15,000 महीना लिखा हुआ था। वही तस्करी जिस तरह से हो रही है कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता इसमें जरूर दिखाई देती है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सोनौली कोतवाली क्षेत्र के सीमावर्ती गांव हरदी डाली, मुहदरिया घाट, श्याम घाट और भगवानपुर के पास तस्कर नदी में ही घुसकर गेहूं की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। वहीं सुंडी गांव के पास दो पहिया वाहनों से भारी मात्रा में तस्करी का सामान नेपाल पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं बॉर्डर पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बॉर्डर पर ही तैनात एसएसबी और स्थानीय पुलिस लगातार कार्रवाई करने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि जहां पर तस्करी का मामला सामने आया, भारत नेपाल सीमा पर तस्करी का जो है वो तांडव दिखाई दे रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार महाराजगंज से जुड़े हुए हैं। अजय कुमार, जिस तरह से तस्करी देखने को मिल रही है नेपाल सीमा पर, अवैध तस्करी की जा रही है, पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है इस पर? जी, मैं बता दूं कि इस समय तस्करों की पहली पसंद अगर कोई है तो भारत नेपाल सीमा है। भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से तस्करों की पहली पसंद रही है। इस सीमा में कभी डीजल पेट्रोल, कभी खाद तो कभी स्क्रैप की बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है। इस समय सीमा पर चीनी तस्करी, गेहूं तस्करी और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कपड़े की तस्करी की जा रही है। अजय, क्या इस तस्करी में पुलिस का कोई मेलजोल दिखाई दे रहा है? जो तस्कर है वो सामने नहीं आ पा रहे, तो कहीं ना कहीं पुलिस का इसमें हाथ नजर आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि भारत नेपाल के सरहद पर तस्करी के खुले खेल की या जो तस्वीरें आपको भेजा गया है, साइकिल मोटरसाइकिल के साथ साथ चरपहिया गाड़ियों में सामान लाकर यहाँ बड़े आराम से कुछ भी भारत से नेपाल या नेपाल से भारत ला सकते हैं। अगर आप सुविधा शुल्क देने में सक्षम है तो यहाँ की सुरक्षा एजेंसी हाथ बांधे आपका स्वागत करते हुए दिखाई देंगे और बड़े आराम से सब कुछ गैर कानूनी ढंग से भारत से नेपाल या नेपाल से भारत ला सकते हैं। इसमें सुविधा शुल्क कितना मिल रहा है? सुविधा शुल्क इन लोगों का अलग अलग होता है। खाद की बोरियों पे 50 रुपया लिया जाता है, चीनी की बोरियों पे अगर सूत्रों की माने तो तकरीबन 100 रुपया बोरा लिया जाता है, और कपड़े का जो रहता है वो महीना बढ़ा गया है लोगों का, इतने महीने या इतने हफ्ते में इतना दिया जाएगा।
जी कहीं ना कहीं इसमें तस्करी में सभी का फायदा हुआ नजर आ रहा है, जो मेल जोल करके लोग आगे बढ़ावा दे रहे हैं इस तस्करी में, और भारत नेपाल सीमा पर एक बार फिर से तस्करों के द्वारा पगडंडियों के रास्ते से ही अवैध रूप से नेपाल में भारी मात्रा में गेहूं, बीज और उर्वरक और इसके साथ ही कपड़े सहित चीनी भारी मात्रा में दो पहिया वाहनों से और सिर पर लाद कर नेपाल पहुँचाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जहां पर सामने आई है खबर, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पिंकी हत्याकांड का यहां पर आरोपी जो है वो गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि थराली में ही पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बहुचर्चित पिंकी हत्याकांड का आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को उप पुलिस महानिरीक्षक की ओर से 30,000 रुपये कांगद पुरस्कार दिया गया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर जनपद चमोली के पिंडर घाटी के थराली देवाल से है और पुलिस ने आपको बता दें कि पाई बहुत बड़ी सफलता है, जहां पर बहुचर्चित पिंकी हत्याकांड का आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पिंडर घाटी के देवाल ब्लॉक में ही मानमती गांव में ही बहुचर्चित पिंकी हत्याकांड में नामजद हत्या आरोपी के पिछले एक साल से फरार होने के चलते गिरफ्तारी नहीं हो पाने से गुस्साए लोगों ने पिंकी के हत्याकांड के लिए ही जाने के लिए ठीक एक वर्ष पर देवाल ब्लॉक मुख्यालय पर विशाल जन आंदोलन प्रदर्शन किया। और यही नहीं, लोगों ने तहसील थराली उप जिलाधिकारी कार्यालय पर भी इसी सप्ताह प्रदर्शन किया था। इसके बाद आज आपको बता दें कि 22वें दिन ही देवाल में लोगों का धरना लगातार जारी है। ये लड़की का मर्डर होता है, उसमें नामजद एफआईआर होती है गुलाब सिंह के विरुद्ध, तो ये व्यक्ति उसी दिन से मौके से फरार हो जाता है। तो इसके गिरफ्तारी के लिए पहले राजस्व टीम द्वारा प्रयास किया जाता है, फिर इन्वेस्टिगेशन नियमित पुलिस को ट्रांसफ़र होती है, पुलिस के द्वारा इसमें प्रयास किया जाता है, परंतु ये फरार रहता है। इसके बाद माननीय न्यायालय से इसका NBW 82-83 कुड़की होती है और फिर मफरूरी में इसके ऊपर 2,500 का इनाम घोषित होता है और इनाम बढ़कर 5,000 का हो जाता है। तो लगातार पुलिस इसमें प्रयास कर रही थी, बाहर जहाँ जहाँ भी इसके होने की संभावना थी लगातार दबिश जा रही थी, प्रयास हो रहे थे, तो इसमें सफलता मिली है, इसकी गिरफ्तारी हो गई है। और इसके उपलक्ष में टीम के उत्साहवर्धन के लिए DIG रेंज महोदय द्वारा 30,000 रुपये की पुरस्कार की घोषणा की है। पूछताछ में उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि जिस दिन 13 तारीख की मॉर्निंग में पिंकी द्वारा उससे बात हुई थी और ये पिंकी उधर से आई थी और ये इधर से गया था ऊपर घटना स्थल पे, फिर इनके आपस में जो भी बातचीत हुई है वहाँ इनकी हाथापाई हुई, छीना झपटी हुई, फिर इसके द्वारा ये पहले ही उससे ये था कि एक तरह से परेशान हो रहा था, पैसे मांग रही थी बार बार, इससे ये बताया जा रहा था कि मैं उसको पैसे दे रहा था, वो और पैसे मांग रही थी मेरे से, तो वहीं इनके बीच में कुछ इस तरह का हुआ और इसके द्वारा उसको उसकी मृत्यु की गई गया, मौके से यूज किया था इसने। ठीक है, आंदोलन करना उनका अपना निजी मामला है और इसमें पिंकी हत्याकांड में जो नामजद अभियुक्त है उसको उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस बात से उनको अवगत कराया जाएगा कि हत्यारोपी पकड़ा जा चुका है, जाएगी कि आप आंदोलन को समाप्त करें। तो थराली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, पिंकी हत्याकांड का आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी सुमन, अभी जो पिंकी बहुत सच्चे जो पिंकी हत्याकांड का जो मामला था, ये दरअसल पिछले साल 13 अक्टूबर 2021 की घटना है और जिस दिन पिंकी के गांव देवाल विकासखंड के मानवती का ही युवक ने उसकी हत्या कर दी थी और उसको नामजद उसकी जो FIR दर्ज थी वो कर ली गई थी उसके परिजनों के द्वारा। लेकिन जब FIR दर्ज हुई तो उसी के बाद से ही जो अभियुक्त आज गिरफ्तार हुआ है गुलाब सिंह, वो तब से फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसके जो गिरफ्तारी के लिए जो जगह जगह हाथ पांव मार रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ से वह नहीं चढ़ पा रहा था। आज जो गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस क्षेत्राधिकारी और पुलिस थाना अध्यक्ष के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जानकारी दी गई है कि जो हत्यारोपी जो गुलाब सिंह था वो बहुत ही सात्विक किस्म का है और
लगातार अपनी लोकेशन वो बदल रहा था और जो उसका रेगुलर फोन था उसका भी वो प्रयोग नहीं कर रहा था, विभिन्न तरह के फोनों से वो अपने घर से संपर्क में था, तो इस कारण से वो एक साल से लगातार जो है गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। तो जो पिंकी की जो हत्या की जो वर्षगांठ थी अभी 13 अक्टूबर 2022 को, तो जो क्षेत्र के जो सभी लोग हैं उन्होंने बहुत बड़ा जन आंदोलन यहाँ पर किया और यहाँ पर तहसील मुख्यालय जिला जिलाधिकारी मुख्यालय का घेराव भी किया और देवाल जो विकासखंड मुख्यालय है वहाँ पर भी बड़ा जलूस प्रदर्शन किया। आज भी ये उनका धरना 22वें दिन भी आज देवाल में यथावत बना हुआ है। अभी अभी जो मेरी जो वहाँ पर जो आंदोलनकारी है उनसे मेरी बात हुई है तो उनका भी ये कहना है कि हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है लेकिन पुलिस और प्रशासन ने भी जो आंदोलनकारी उनके बीच में किया, तो हमने भी कहा कि भाई अभी अभी जो है जो हत्या रूपी गिरफ्तार किया गया उसको जेल भेजने की कार्रवाई जो की गई। कब से फरार चल रहा था इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो पाई है? जी मैम, जी सुमन ने जो है जो हत्यारोपी है वो पिछले एक साल से फरार चल रहा था और वो विभिन्न जो अपनी लोकेशन बदला विभिन्न राज्यों में अपनी लोकेशन बदल रहा था और वो कभी भी पुलिस की हत्या नहीं चल पाया। तो जो हालांकि ये मामला राजस्व पुलिस क्षेत्र का था और उसके बाद जब ये जो जघन्य अपराध है इसमें SC ST एक्ट की भी धारा है उसमें 302 के बाद जो उसमें लगी हुई थी, तो इसलिए जो तत्कालिक जो जिलाधिकारी है उन्होंने इस मामले को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया था और तब से रेगुलर पुलिस लगातार इस मामले में और इसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी और न्यायालय ने जब इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो न्यायालय ने फिर वारंट निकाल करके इसकी घर की कुर्की के भी आदेश कर दिए थे और इस पर जो भगोड़ा घोषित कर करके इस पर 2500 रुपए का इनाम रख दिया था। और जब अभी जो अभी पिछले महीने मतलब 22 दिनों पिछले जो जब आंदोलन शुरू हुआ तो तब पुलिस ने इस पर 5000 का इनाम रख दिया था और तब से पुलिस लगातार मतलब पिछले एक साल से लगातार इसकी धरपकड़ में लगी हुई थी और आज ये गिरफ्तार हो चुका है। तो आज जब गिरफ्तार हुआ तो पुलिस जो उप महानिदेशक है उन्होंने भी पुलिस की पीड़ित थपथपाते हुए आज अपने पुलिस हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो बहुचर्चित पिंकी हत्याकांड का मामला रहा था जिसमें अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लोगों ने प्रदर्शन किया और जिसके बाद अब पुलिस को सफलता हाथ लगी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।